नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुस्सा जो है उसे कैसे कम किया जा सकता है। दोस्तों, गुस्सा जो है एक प्रकार का एसिड है जो तब हमारे शरीर के लिए अधिक हानिकारक होता है जब हम अपने अंदर इसे भर कर रखते हैं और दूसरे पर निकाल देते हैं। मार्क ट्वेन ने स्पष्ट रूप से बताया है कि क्रोध से आपके जीवन में क्या नुकसान हो सकता है। क्रोध एक सामान्य स्वस्थ भावना है, यह हमेशा नकारात्मक नहीं होता है क्योंकि इससे आपको यह पता चलने में मदद मिलती है कि कब आप हर्ट हुए हैं और किस समय स्थिति को बदलने की जरूरत है। अगर आपको अपने गुस्से को नियंत्रण में रखना मुश्किल लगता है तो यह आपके निजी और व्यावसायिक जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है। शायद आपके लिए अपने गुस्से को रोक कर रखना एक चुनौती हो सकती है, लेकिन कुछ सरल क्रोध प्रबंधन उपायों को अपना कर और कुछ बदलाव करके अपने गुस्से को नियंत्रण में रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम अपने गुस्से को नियंत्रण में रख सकते हैं। उसमें सबसे पहला है दोस्तों मेडिटेशन। दोस्तों, जब भी आपको गुस्सा आए आप ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, जिसे कि हम कहते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन। यह आपके मन और शरीर को शांत रखने का एक अच्छा तरीका है। ध्यान का अभ्यास करने के लिए आप आराम से बैठ जाएं और श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आपके दिमाग का ध्यान वर्तमान की स्थिति में आ सकता है, यानी कि आ जाता है, और इस ध्यान का अभ्यास आपको पिछले या फिर भविष्य की चिंताओं को अपने दिमाग से निकाल कर करना चाहिए। फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी में प्रकाशित 2015 के एक स्टडी से पता चला है कि ध्यान करने से व्यक्ति को मन को शांत रखने में, गुस्से को कम करने में, क्रोध की आंतरिक अभिव्यक्ति में, चिंता और अवसाद को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। इसके बाद दोस्तों, गुस्से को कम करने के लिए या शांत करने के लिए आप श्वास का अभ्यास, एक नियंत्रित श्वास का अभ्यास भी अपना सकते हैं, जिसे कि हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं। तो दोस्तों, नियंत्रित श्वास का अभ्यास आपकी क्रोध की भावनाओं को शांत करने में मदद करता है। गहरी नियंत्रित श्वास आपके दिल की गति को धीमा कर देती है और यह आपके ब्लड प्रेशर को कम करती है और आपके शरीर को आराम देती है। और इस तकनीक में कुछ मिनट लगते हैं। जब भी आप गुस्सा या फिर तनावग्रस्त हो तब गहरी सांस लेने से आप प्रभावी ढंग से शांत हो जाएंगे और आपको अधिक स्पष्ट रूप से सोचने में मदद मिलेगी। पीठ के बल लेट जाएं और अपने आप को आरामदायक बनाएं। यदि अपने तंग असुविधाजनक आपने कपड़े पहने हैं तो उन्हें खोल लें और अब अपने पेट पर अपने हाथों को रखें और अपनी नाक के माध्यम से धीरे धीरे श्वास लें। और जैसे जैसे आप श्वास लेते हैं अपने पेट को आराम दें। कुछ सेकंड के लिए अपनी सांस को रोकें और अपने मुंह से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें और इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक कि आपका गुस्सा पूरी तरह से नियंत्रित ना हो जाए। उसके बाद दोस्तों, क्रोध को कम करने के उपाय के लिए आप मांसपेशियों को आराम दीजिए, यानी कि मसल रिलैक्सेशन टेक्निक। दोस्तों, अपने क्रोध को नियंत्रित में करने के लिए मांसपेशियों को आराम देने का अभ्यास एक उपयोगी तकनीक है और इस अभ्यास में आप अपने शरीर की विशेष मांसपेशियों के समूहों को तानते हैं और आराम देते हैं और इस अभ्यास से आपके मन में क्रोध की भावना नहीं आती और इसके अलावा यह आपकी चिंता और तनाव को कम करके गुस्से की भावनाओं को कम करने में मदद कर सकता है। साथ साथ यह आपके मन में उठ रहे विचारों को रोककर आपको अच्छी नींद प्राप्त करने में मदद करता है और इसके लिए शांत जगह पर बैठ जाएं और अपने आप को एक आरामदायक स्थिति में रखें और अब मांसपेशियों के किसी समूह पर ध्यान केंद्रित करें और अब गहराई से और धीरे धीरे ऊपर की तरफ सांस लें और पूरी ताकत से मांसपेशियों के समूह को दबाएं और अब 5 सेकंड के लिए उस तनाव को बनाए रखें और अब आप सांस छोड़ें और मांसपेशियों के तनाव को जल्दी से कम करें। 15 सेकंड तक रिलैक्स होने के बाद आप इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक कि आपका गुस्सा पूरी तरह से शांत नहीं हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, गुस्से को कम करने का एक उपाय है स्ट्रेस बॉल। दोस्तों, स्ट्रेस बॉल आपके क्रोध को तत्काल खत्म करने में मदद कर सकती है। स्ट्रेस बॉल का उपयोग मांसपेशियों पर दबाव बनाने और उन्हें आराम देने के लिए किया जाता है। बार बार स्ट्रेस बॉल को दबाने से आपके हाथ और बाह में दर्द शुरू हो जाता है और यह एंडोर्फिन को रिलीज करने के लिए दिमाग को संकेत भेजता है। एंडोर्फिन एक रासायनिक पदार्थ है जो कि शरीर के तनाव को दूर करने के लिए उपयोगी है और इसके अलावा यह बॉल जिस बात से आप परेशान थे उसे दूर करने में मदद करती है। अगली बार जब भी आपको गुस्सा आए तो आप जो है बस बैठकर एक स्ट्रेस बॉल को दबाना शुरू करें, साथ ही साथ आप गहरी सांस भी लें। उसके बाद दोस्तों, गुस्सा कम करने के लिए एक और घरेलू उपाय है जो कि है 10 तक गिनती गिनें। दोस्तों, यह एक पुराना तरीका है जो कि आपके गुस्से को शांत करने और स्पष्ट रूप से सोचने में मदद करता है। जब आपको गुस्सा आता है और आप 10 या उससे ज़्यादा गिनती गिनते हैं तो यह आपके गुस्से को शांत करने में मदद करता है और यह सरल तरीका क्रोध प्रबंधन के 2 मुख्य तत्वों समय और व्याकुलता पर जोर देता है और आपका गुस्सा शांत करता है। द जर्नल ऑफ
अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में 2015 की स्टडी में पाया गया है कि 10 या उससे अधिक गिनती करने से कुछ परिस्थितियों में गुस्से को कम करने में मदद मिलती है। उसके बाद दोस्तों, गुस्से को कम करने का एक और तरीका होता है वॉकिंग करना। दोस्तों, जब आपको गुस्सा आ रहा हो तो चलने जैसा कुछ हल्का व्यायाम गुस्से से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि आप अपने गुस्से को शांत करने के लिए गुस्से के अनुभव के तुरंत बाद चलना शुरू कर दें। और जब आप वॉकिंग करते हैं तो आपका शरीर एंडोर्फिन को रिलीज करता है और यह रसायन आपको अधिक सकारात्मक और खुश महसूस करने में मदद करता है। साथ ही चलने से आपका मन दूसरी तरफ चला जाता है, जिससे कि आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया को सीमित करने में मदद मिलती है। उसके बाद दोस्तों, गुस्सा शांत करने का एक और तरीका होता है कि हंसना। दोस्तों, हंसने से आपके गुस्से और क्रोध को शांत करने में मदद मिल सकती है। वास्तव में हंसने से तनावपूर्ण स्थिति को कम करने में मदद मिलती है। हंसना आपके दिमाग को गुस्से के कारण से दूर ले जाता है और आपको अधिक के मन को संतुलित करने में मदद कर सकता है, ताकि आप सकारात्मक सोच सकें। और जब आप गुस्सा हो तो हंसने के लिए ऑनलाइन फनी वीडियो देख सकते हैं और यह आपके मूड को अच्छा करने में मदद करेगा। और जब आप अपने गुस्से को कम करने के लिए हंसने का अभ्यास करें तो अपनी समस्याओं को हंसी में न उड़ाएं और व्यंग्यात्मक तरीके से ना हंसने बल्कि खुलकर आपको हंसना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, गुस्से को शांत करने के लिए एक और तरीका होता है कि संगीत को सुने, रिलैक्सिंग म्यूजिक सुने। दोस्तों, संगीत एक उत्कृष्ट व्याकुलता को दूर करने की तकनीक है। यह आपके गुस्से को शांत करने में मदद करता है, लेकिन जोर से संगीत सुनने से आपके गुस्से का स्तर बढ़ सकता है और यह आपकी नकारात्मक भावनाओं को अधिक तीव्र बना सकता है। और इसीलिए अपने गुस्से को शांत करने के लिए हल्का और शांत संगीत चुने। और आप जब भी गुस्सा हो अपने कान में हेडफोन लगाएं, अपनी आंखें बंद करें और अपने पसंदीदा संगीत को सुने, और यह आपके दिमाग को एक अलग अलग लेवल पर ले जाएगा और आपके गुस्से को पूरी तरह शांत करेगा। उसके बाद दोस्तों, गुस्सा दूर करने के उपाय के लिए आप शब्दों को दोहरा सकते हैं, जिसे कि हम कामिंग फ्रेज कहते हैं। दोस्तों, जब आपका क्रोध विस्फोट की कगार पर हो तो धीरे धीरे एक शांत शब्द या वाक्य को दोहराएं, जिससे कि आप शांत हो जाए। उदाहरण के लिए आप रिलैक्स या फिर टेक इट ईजी, ऐसे जो कुछ शब्द हैं उनको दोहरा सकते हैं। और अपने आप को शांत करने के लिए इन शब्दों को दोहराते समय गहराई से श्वास लें, और ऐसा करने से आपको तीन तरीकों से मदद मिलेगी। सबसे पहले तो जब आप बार बार शब्दों को दोहराते हैं तो इससे आपके मन और शरीर को आराम करने के लिए संकेत जाता है। दूसरा यह कि आपका उस स्थिति से ध्यान हटता है, जिससे कि आपको तनाव महसूस होता है। और अंत में शब्द बोलते समय जब आप गहरी सांस लेते हैं तो यह आपको अपने गुस्से को नियंत्रित करने में मदद करता है। उसके बाद दोस्तों, गुस्से को शांत करने का एक और उपाय होता है कि माफ कर देना, जिसे कि हम फॉरगिवनेस कहते हैं। तो दोस्तों, गुस्से को नियंत्रित करने के लिए माफ कर देना एक शक्तिशाली उपाय होता है। जब कोई आपकी केयर करता है और वही आपको हर्ट करता है तो क्रोध, असंतोष और बदला लेने का जो विचार होता है वो आपके मन में आने लगता है, और आप क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाओं के कारण सकारात्मक भावनाओं को खत्म कर देते हैं, और यह आपको लंबे समय तक घुटन महसूस करा सकता है। अगर आप उस व्यक्ति को क्षमा कर दें जिससे कि आप नाराज हैं, तो आप उस व्यक्ति के साथ अच्छे रिश्ते को जारी रखने में सक्षम हो सकते हैं। हमेशा क्रोध के अचानक विस्फोट को रोकने के लिए बोलने से पहले आप सोचें, और एक बार जब आप शांत हो जाएं तो अपने क्रोध या हताशा को एक दृढ़ तरीके से व्यक्त करें। आपको जब गुस्सा आए तो जिस बात के कारण आपको गुस्सा आया उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करें, और स्थिति पर एक अलग दृष्टिकोण पाने के लिए मित्र के साथ अपनी भावनाओं पर चर्चा करें। अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं के बारे में जितना संभव हो उतना सीधा और स्पष्ट रहें। यदि आवश्यक हो तो एक थेरेपिस्ट से मिलें, जिससे कि आप अपने गुस्से के पीछे छिपी अंतर्निहित भावनाओं और मुद्दे को जो है वो उस पर काम कर सकें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर ले, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।